प्रयागराज जिले में दलित समाज के गणेश पासी के निर्मम हत्या के विरोध में इंकलाबी नौजवान का रायबरेली में विशाल प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश में भले योगी सरकार क्राइम रोकने में सफल दिख रही हो, लेकिन कुछ ऐसे भी जनपद हैं जहां क्राइम का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। दिन दहाड़े लूट, हत्या, डकैती, दुष्कर्म के मामले बढ़ते जा रहे हैं और सरकार पर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। जहाँ आज दलित समाज में इंकलाबी नौजवान सभा संगठन के लोगों ने प्रयागराज जिले के ग्राम सिमरा थाना सरा इनायत में दलित समाज के गणेश पासी के दबंगों द्वारा निर्मम हत्या से आक्रोशित होकर रायबरेली के जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर विशाल धरना प्रदर्शन किया। वहीं उन्होंने योगी सरकार पर आरोप लगाया कि लगातार क्राइम अपने चरम सीमा पर है, जिसे रोकने में सरकार कामयाब नहीं दिख रही। वहीं उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि अभी तक पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में दलितों पर लगातार हमला बढ़ता जा रहा है और प्रदेश में सत्ताधारी दल का कोई घटनाओं में अपराधियों को संरक्षण मिला है। जहां दलित समाज पासी न्याय दिलाने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा, वहीं उन्होंने मांग की कि पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा और परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाए। उत्तर प्रदेश में दलित महिलाओं, अल्पसंख्यकों, पिछड़े पर बढ़ते सांप्रदायिक उत्पीड़न पर रोक लगाई जाए। गणेश पासी हत्या में शामिल सभी मुलजिम को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। श्रीवास्तव, टीवी इंडिया 18 जिला संवाददाता, रायबरेली। मैं इंकलाबी नौजवान सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आज आप लोग का प्रदर्शन हो रहा है, किस चीज़ को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं आज? अभी जो इलाहाबाद के अंदर एक हमारे साथी ने बताया, जो घटना घटी हुई है इलाहाबाद के अंदर कुछ दिन पहले, उस घटना को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा जो संगठन है वो आंदोलनरत है और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर योगी लगातार कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश को पूरा भयमुक्त बना रहे हैं और खुद सत्ता के द्वारा संरक्षित गुंडे उन्होंने पाल रखे हैं और पूरे प्रदेश के अंदर लगातार आप देखिए दलितों, महिलाओं और अल्पसंख्याओं पे लगातार हमले जारी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो प्रदेश की गुंडा शाही सरकार है, ये जल्द से जल्द इस बात को स्वीकार करे कि हमारे सरकार में खुद हमने गुंडे पाल रखे हैं और अपने पद से इस्तीफा दे CM पद को। न्याय न मिलने पर कब तक चलेगा प्रदर्शन? उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग सभी जिलों में आंदोलन कर रहे हैं और बड़े स्तर पर अगर न्याय नहीं मिलता है तो बड़े स्तर पर हम लोग लखनऊ भी जाएंगे, वहाँ भी हम लोग प्रदर्शन करेंगे और जब तक की मांग हमारी है कि पीड़ित को 50 लाख की सरकारी सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मुहैया कराई जाए। विगत दिनों आप देखें कि तमाम सरकारी इस तरह के द्वारा इस तरह की घटनाओं पर सरकार के द्वारा मदद की जाती रही है, तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि इस पीड़ित परिवार को भी इस तरह की मुहैया सुरक्षा कराई जाए।